चैन दोस्तों, मैं बीपेंस में आपसे आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि आज देखिए हमारे देश में किस तरीके के लोग हैं। अभी एक वीडियो देखना, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखना। देखिए ये वीडियो देखिए। कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बीमारी नहीं है, अल्लाह का अज़ाब है। आपने ये वीडियो देख ली। अब ये बताइए, हम कोरोना से लड़ लेंगे लेकिन इन जैसे चूतियों से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि इन जैसे जाहिल गवार बेवकूफ लोग को ये समझाइए जो पैसा ये चाट रहे हैं, क्या ये केवल हिंदुओं को दिया जाएगा? अल्लाह का फरमान, अल्लाह ने इतना, आप अल्लाह को इतना गंदा बता रहे हो, ये मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह का बनाया हुआ मुसलमान नहीं है, ये यहाँ के लोगों ने बनाया हुआ मुसलमान है, जो इस तरीके से इसकी इतनी गंदी सोच है। आप सोच सकते हो कि पैसा चाट के वो बोल रहा है कि ये कोरोना आपका अल्लाह का फरमाया हुआ आपके लिए तोहफा है? ये कौन सी तमीज है? अभी न्यूज आई थी, आप सब न्यूज देख रहे होंगे, लेकिन आप ये बताइए कि नर्स जो लेडीज नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर बदसलूकी, बातचीत, गंदी गंदे गाने, बिना कपड़ों के क्वारंटाइन में घूम रहे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ का बयान आया था, हमारे जो यूपी के सीएम है उनका, आदित्यनाथ का ये बयान आया था कि कोई भी लेडीज डॉक्टर्स या नर्स इनका इलाज नहीं करेगी जो जमात से आई, जो बदतमीज। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा उनके? ये दूसरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। दूसरा वीडियो देखिए, ये देखिए। देख लिया आप? मुझे एक बात बताइए, इतने जाहिल गवार लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इनसे कैसे जीता जाए बताइए आप? अब यार, जिस किसी जानवर को अगर हम एक रोटी देना, वो भी वफादार बन जाता है। जिस देश में तुम खा रहे हो, जिस देश में तुम्हारे बच्चे रह रहे हैं, जिस देश में तुम कई सालों से रह रहे हो, उस देश के लिए, मैं पूरी कौम के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जैसे जाहिलों के लिए बात कर रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना, हमारे मुसलमान भाइयों, एक बात ध्यान रखना, इन जैसे गंदी नाली के कीड़े और हमारे ये तालाब की एक मछली तालाब को पूरा गंदा कर देती है, ये पूरी कौम को बर्बाद करते हैं। आप सोचिए, अच्छे लोगों की वजह से, बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं, समझ में आया? तो ये चीज़ बहुत गलत है। इन लोगों को कौन सी सज़ा देनी चाहिए? देशद्रोह की सज़ा देनी चाहिए। यार पुलिस वालों पे आप पत्थर फेंक रहे हो, पुलिस वाला गोली मार सकता है अगर उसे ऑर्डर दिया जाए तो, पुलिस वाला गोली मार सकता है। और ऐसे ऑर्डर होने चाहिए कि कोई भी पुलिस वाले को अगर पत्थर फेंकता है या कोई आज़ादी मांगता है तो उसे हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए आज़ादी दे दी जाए। तो ये बहुत गलत है। तो ये आप सोचिए, इस चीज़ को समझिए कि ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है कि जिस तरीके से इंडिया में हो रहा है। टोटल 700 लोग दो दिन में निकल चुके हैं ओनली जमात के। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे थे, क्या अपनी मौत बुला रहे थे वहाँ पे? इकट्ठे होकर अपनी मौत बुला रहे थे आप? 700 लोगों को क्वारंटाइन में रख, 700 लोग तो पॉजिटिव निकले, बाकी को भी बहुत है, 1500-2000, 700 लोग तो पॉजिटिव निकले, पॉजिटिव। ये तो आत्मघाती हमला हुआ, खुद को भी बर्बाद कर रहे हैं ना, दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये किस तरीके से माइंड बॉस किया गया? ये बहुत गलत हो रहा है, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश में चल रहा है, इसके लिए कानून बनना चाहिए। आज हमारे डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, आज हमारी नर्सें सुरक्षित नहीं है। जो बंदा जान बचा रहा है आप उसी को काटेंगे? ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप सोच नहीं सकते, थूक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, नर्सेस को छेड़ रहे हैं। तो यार ये घर पे क्या करते होंगे यार? इनके दिमाग में कोई है ही, इनको तो मेंटल हॉस्पिटल भेजो भाई, हॉस्पिटल्स में क्वारंटाइन नहीं, इनको मेंटल हॉस्पिटल क्वारंटाइन करिए। समझ में आया? जैन दोस्तों, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है, इसमें गाली नहीं दे सकता हूँ ज़्यादा। मेरा प्रोफेशन टीचिंग लाइन का है, इसलिए मैं ज़्यादा गाली नहीं दे सकता हूँ, वरना बहुत गंदा बोल सकता हूँ। गंदा बोल के भी क्या, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और बहुत गंदी सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।